दोस्तों, हमारा देश भारत हमारी संस्कृति के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ हर धर्म और संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के लोगों में सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काफी कठोर परिश्रम करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। भारत देश के लोग अपनी काबिलियत और पढ़ाई के दम पर पूरी दुनिया में अपने पैर इतनी अच्छी जगह जमा चुके हैं कि अगर वो अपनी सर्विस न दे तो दुनिया आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत के लोग टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर के मामले में सबसे आगे है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इंडिया के टॉप 10 CEO के बारे में बताएंगे जो कि बड़ी बड़ी कंपनी को हैंडल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है सुंदर पिचाई। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर मौजूद है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई ने अपने टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी गूगल के CEO है। इन्होंने अपनी सफलता की शुरुआत भारत में रहकर ही की। सुंदर पिचाई ने अपनी बीटेक की डिग्री IIT खड़गपुर से की और उसके बाद एडवांस लेवल की स्टडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहीं से उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद उन्होंने मैकेंसी एंड कंपनी में मैनेजिंग टीम में काम किया। बाद में इन्होंने 2004 में गूगल में कदम रखा। हालांकि 2004 में काफी छोटे लेवल से इन्होंने गूगल में शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे अपनी काबिलियत के बदौलत मैनेजमेंट से लेकर CEO तक का सफर तय किया और आज सुंदर पिचाई गूगल के CEO है। और आज गूगल जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, कहीं ना कहीं सुंदर पिचाई का बहुत बड़ा हाथ है और ये टॉप 10 CEO के लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं। नंबर 2 पर आते हैं सत्य नडेला। जैसे गूगल को चलाने के लिए एक इंडियन है, उसी तरह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट को चलाने के लिए एक भारतीय मूल के सत्य नडेला सामने खड़े हैं। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे CEO है। बिल गेट्स और स्टीव बार्माल के बाद इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के CEO की कुर्सी पाई और उन्होंने कुर्सी पाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के मार्केट को ऊंचाइयों पर लेके गए। सत्य नडेला के कार्यकाल में ही माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी भी बनी। नंबर 3 पर थे शांतनु नारायण। दोस्तों, शांतनु नारायण AWS CEO के साथ साथ चेयरमैन ऑफ प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इन्होंने ये कंपनी सन 1998 में ज्वाइन की थी, लेकिन अपनी ज्वाइनिंग के 8 साल बाद ही ये Adobe कंपनी के CEO बने और अभी तक उसी कंपनी को संभाले हुए हैं। बरंस मैगजीन के अनुसार CEO की टॉप की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं। इस काबिलियत के चलते इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नंबर 4 पर थे पराग अग्रवाल। दोस्तों, ट्विटर जो कि एक मल्टी ब्लॉगिंग सोशल मीडिया वेबसाइट है, जिसके CTO रह चुके पराग अग्रवाल अब इस वेबसाइट के CEO बन चुके हैं। पिछले 10 सालों से वह इस वेबसाइट के साथ जुड़े हुए हैं। पराग अग्रवाल का जन्म सन 1984 में मुंबई के खारघर जगह में हुआ था। अब उनकी उम्र 37 साल हो चुकी है। पराग ने एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए IIT मुंबई में एडमिशन लिया। वहां से उन्होंने कंप्यूटर साइंस के विषय में BTech की डिग्री हासिल की और आज ये ट्विटर के CEO के पद पर नियुक्त है। नंबर 5 पर थे राजीव सूरी। दोस्तों, आज के समय में नोकिया कंपनी को कौन नहीं जानता। सबने नोकिया कंपनी के मोबाइल्स का प्रयोग किया हुआ है। जिस कंपनी का बोलबाला शुरू में बहुत था, उस कंपनी को भी आज हमारे भारत के राजीव सूरी CEO के पद पर रहकर नोकिया को चला रहे हैं। जब राजीव सूरी ने इस कंपनी के साथ जुड़े, तब इस कंपनी की सेल्स काफी गिर चुकी थी, लेकिन राजीव सूरी ने CEO के पद को संभालने के बाद सिर्फ कंपनी के सेल्स को बढ़ाया बल्कि नोकिया की पुरानी पहचान भी वापस दिलाई। आज टॉप 10 लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं। नंबर 6 पर आते इंदिरा लुई। दोस्तों, पेप्सिको कंपनी के CEO पर रह चुकी इंदिरा लुई काफी शक्तिशाली लेडी है और इन्हें दुनिया के टॉप 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। लुई ने मद्रास से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता से MBA की स्टडी पूरी की और अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने पेप्सिको कंपनी को एज अ CEO ज्वाइन किया था। नंबर 7 पर थे अरविंद कृष्णा। दोस्तों, अरविंद कृष्णा ने IIT कानपुर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लायंस से PhD की डिग्री हासिल की और अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद अब वो IBM कंपनी के CEO है। उन्होंने इस काबिलियत को पाने के लिए अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखा है, लेकिन अपनी पढ़ाई और लगन के साथ IBM कंपनी के CEO के पद पर नियुक्त है। नंबर 8 पर थे अजय पाल सिंह बग्गा। दोस्तों, अजय पाल सिंह बग्गा मास्टर कार्ड के CEO के पद पर नियुक्त है। उनकी काबिलियत को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था, क्योंकि अजय पाल सिंह बग्गा इंटरनेशनल बिजनेस में भारत देश की शान को बढ़ा रहे हैं। अजय पाल सिंह का जन्म तो पुणे में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की है और अहमदाबाद से अपनी MBA की डिग्री हासिल की। इन्होंने बहुत सी कंपनियों में काम किया हुआ है, जैसे कि निस्ले इंडिया, पेप्सिको, लेकिन आज वो मास्टर कार्ड कंपनी के CEO के पद पर नियुक्त है।
नंबर 9 पर आते हैं संजय मेहरोत्रा। दोस्तों अमेरिका की जानी मानी कंपनी माइक्रोन के सीईओ के पद पर नियुक्त है। दरअसल माइक्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। इस कंपनी से पहले भी संजय मेहरोत्रा सैनडिस्क कंपनी के को फाउंडर भी रह चुके हैं। वहां उन्होंने 2011 से 2016 तक काम किया और उसके बाद इन्होंने माइक्रोन कंपनी एज अ सीईओ ज्वाइन किया था। नंबर 10 पर आते हैं जयश्री उल्लाल। दोस्तों इंडियन फीमेल सीईओ की लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं जयश्री उल्लाल। दोस्तों इनका जन्म तो लंदन इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन उनका शुरुआती पालन पोषण भारत देश में ही हुआ है। और इन्होंने आगे चलकर उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद अरिस्टा जैसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन किया था और आज वो अरिस्टा नेटवर्क कंपनी के सीईओ ऑफ प्रेसिडेंट के पद पर कार्य कर रही है। अरिस्टा कंपनी दुनिया की जानी मानी कंप्यूटर नेटवर्क कंपनी है और आज जयश्री उल्लाल इस कंपनी के सीईओ के पद पर नियुक्त है। दोस्तों इन टॉप 10 लिस्ट में आपका फेवरेट सीईओ कौन सा है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।